बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप और सिंगर राहुल वैद्य फाइनली शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बीते लंबे समय से फैंस इंतजार कर रहे थे राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी का। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में राहुल ने दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो वहीं ये प्यारा सा कपल हमेशा ही चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आया। अब फाइनली एक दूसरे के हो चुके हैं दिशा और राहुल। सोशल मीडिया पर शाही शादी की तस्वीरें छाई हुई हैं। बीते 16 जुलाई के दिन मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में राहुल और दिशा ने पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते हुए साथ फेरे लिए। सोशल मीडिया पर ये शाही शादी की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लगातार इस प्यारे से कपल को बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो राहुल और दिशा को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, शादी की तुरंत बाद दिशा ने एक बड़ा फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि आखिरकार दिशा ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बता दें आपको कि हाल ही में दिशा और राहुल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को दिशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। इस वीडियो में दिशा और राहुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो देखकर लग रहा है कि राहुल और दिशा का ये वीडियो शादी के बाद का है। जी हाँ दोस्तों, राहुल और दिशा एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हुए देखे जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन दिशा को किस करते हुए देखे जा रहे हैं। दोनों ही यहां पर सेम कलर के आउटफिट में नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल और दिशा यहां पर रेड नाइट शूट में नजर आ रहे हैं और इस शूट में पॉकेट भी है। पॉकेट्स पर गौर किया जाए तो राहुल वैद्य की पॉकेट पर RKV लिखा हुआ है और दिशा की पॉकेट पर DRV लिखा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो अब फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि DRV का फुल फॉर्म दिशा राहुल वैद्य है। जी हाँ, तो क्या दिशा परमार ने अपना नाम बदल लिया है? वेल दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि दिशा परमार का ये आउटफिट इस बात को बयां कर रहा है। बता दें आपको कि दिशा ने इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने हिंट दिया है कि क्या उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। वेल दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिशा का ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। आप क्या कहते हैं इस प्यारे से कपल के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।